जैसा कि आप सभी को पता है, बीरबल एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान के साथ साथ वो एक बड़े दानवीर भी थे। वो इनाम में जितना पैसा जीतते थे, ज्यादातर पैसा वो गरीबों को दान में दिया करते थे, बल्कि अपने संपत्ति से भी उन्होंने कई पैसा गरीबों में बांट दिया। लेकिन इसके साथ साथ बीरबल ये चीज का ध्यान रखते थे कि उनका जो पैसा है वो किसी दिखावेबाज या फिर किसी धोखेबाज के पास ना चले जाए, और ये सारी बातें महाराजा अकबर को पता था। तो एक बार की बात है, जब महाराजा अकबर सोचते हैं क्या सच में बीरबल का जो पैसा है वो सही लोगों के हाथ में जाता है या बीरबल को भी कोई मूर्ख बना जाता है। बस इसी कारण से वो दरबार में जाते हैं और एक सैनिक को बोलते हैं कि तुम अपना रूप बदलो और बीरबल के पास जाके भीख मांगो। अगर वो तुमको भीख देता है तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि बीरबल को बहुत लोग मूर्ख बना चुके हैं और उसको इनाम में मिलने वाला पैसा गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। तो अकबर के कहे अनुसार वह सैनिक बीरबल को ढूंढते हुए एक मंदिर के सामने पहुंचता है। बीरबल सुबह सुबह नहा धो के उस मंदिर में पूजा करके बाहर की तरफ आते रहता है। तभी वह सैनिक अपना रूप बदल के एक गरीब के रूप में बीरबल के समीप जाता है और जाके बोलता है, महाराज कृपया मुझे कुछ पैसा दे, मैं पिछले 8 दिन से भूखा हूँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी हैं जो घर पे 8 दिन से भूखे पड़े हैं, तो कृपया मुझे आप कुछ पैसा दीजिए। तो बीरबल ऊपर से नीचे उस भिखारी को देखता है और मनी मन कुछ सोचते रहता है, और थोड़े टाइम वो सोचने के बाद उस गरीब भिखारी को बोलता है, ठीक है तुम मेरे साथ मेरे घर तक चलो, मेरे घर में बहुत सारे पैसे रखे है जिसमें से आधा मैं तुमको दे दूंगा। ये बोल के वो उस गरीब को अपने साथ लेके जाता है। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है, वह नदी कंकड़ के ऊपर से होते हुए जाती है। तो बीरबल अपने चप्पल खोलते हैं और उस नदी को पार करने लगते हैं। तभी वह गरीब भी चप्पल को खोलता है और कंकड़ के नदी को पार करने लगता है। तभी उसके मुख में अजीब सी बेचैनी रहती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसको दर्द हो रहा है, जिससे बीरबल ये समझ जाते हैं कि इसके जो पैर है वो बहुत कोमल है, ये सच में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। और इसके बाद क्या था, बीरबल उसको एक लंबे रास्ते से अपने घर की तरफ लेके जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप रहता है। धीरे धीरे वो गरीब का चेहरा सूखता चला जाता है और एक समय के बाद वह भिखारी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके बीरबल के ऊपर भड़क जाता है कि तुमको दान नहीं देना है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तब बीरबल बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ क्योंकि तुम कोई गरीब नहीं हो, अगर मैं तुम्हें दान दूंगा तो मैं भी पापी बन जाऊंगा। ये बोल के बीरबल वहाँ से सीधे अपने घर के तरफ चले जाते हैं और वह सैनिक भी महाराज के पास आके पूरा किस्सा बताते हैं। और इसके बाद क्या था, अगले ही दिन जब सुबह सुबह बीरबल दरबार में आते हैं तो अकबर उनको बोलते हैं कि तुमने एक गरीब को दान नहीं दिया बल्कि उसको तुमने भगा दिया, और वह गरीब मेरे पास शिकायत लेके आया है जिससे तुमको सजा मिले। तो ये सुन के बीरबल मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छा महाराज तो आप ही ने उसको भेजा था। तो इस पे बीरबल भी हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, आखिर तुमको कैसे पता चला कि वो गरीब नहीं एक ढोंगी है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, महाराज मैंने मंदिर में ही उसके पैरों को देखा था और मैंने देखा कि उसने बहुत ही महंगे से चप्पल पहने हुए है, लेकिन मैं सोचा हो सकता है ये चप्पल उसे दान में मिले हो, इसलिए तब मैं उसको पैसे या सोने के सिक्के नहीं दिए, उसको मैंने बोला कि तुम मेरे साथ चलो। अब मुझे ये देखना था कि क्या वो खाली पैर चल सकता है, क्योंकि एक गरीब आदमी मीलों दूर खाली पैर चल सकता है। लेकिन जब वो नदी के अंदर से आ रहा था तो उसको दर्द महसूस हो रहा था, जिससे मुझे ये समझ आ गया कि असल में ये गरीब नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत समझ रहा हूँ, इसलिए उस गरीब आदमी को मैंने कड़ी धूप में घुमाया जिससे मुझे ये पता चले कि वो भूखा है या नहीं। अगर वो भूखा होता तो वो जा ही नहीं पाता, लेकिन वो मेरे साथ कई दूर तक गया जिससे मुझे ये भी समझ आ गया कि वो भूखा नहीं है। और एक भूखा आदमी खाने के लिए रो सकता है, कभी गुस्सा नहीं कर सकता, जिससे मुझे ये समझ आ गया कि ये कोई गरीब नहीं है, ये एक धोखेबाज है और इसीलिए मैंने इसको दान नहीं दिया। ये सुन के अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे तरफ से 1000 सोने के सिक्के तुम अपने पास रखो और जो सही में गरीब है उसको दान में दे दो। दोस्तों ऐसी कहानी के अपडेट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां से हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। एक बार महाराज अकबर पूर्णिमा रात्रि में बहुत ही आराम से सोए थे, तभी उनको आधी रात में एक भयंकर सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि उनके सारे दांत
एक साथ टूट गए हैं, लेकिन बस बीच का एक ही दांत था जो नहीं टूटा था। सपने में ये देख के महाराजा अकबर बहुत ज्यादा डर गए और उनकी अचानक से नींद खुल गई और वो सोचने लगे कि इस सपने का मतलब क्या हो सकता है। ये सोचते सोचते बिना सोए ही वो सारी रात अपने बिस्तर में बैठे रहे और सुबह होते ही उन्होंने दरबार में आके दरबारियों से कहा कि जितने भी ज्योतिषी हमारे महल में मौजूद है उन सभी को मेरे सामने ले आओ। तो आदेश अनुसार सारे ज्योतिषी महाराजा अकबर के समीप आ गए और महाराजा अकबर ने अपने सपने के बारे में सबको बताया और पूछा इसका क्या मतलब हो सकता है। तो सभी ज्योतिषी ने आपस में बात की और बहुत सोचने के बाद सभी को इसका एक ही मतलब समझ आया और वो मतलब वो अकबर को बोलने लगे, महाराज इसका मतलब ये है कि आपके परिवार के सारे लोग आपके सामने ही मर जाएंगे, आप अकेले ही इस महल में रह जाओगे। ये सुन के अकबर को बहुत बुरा लगा और वो बहुत ज्यादा क्रोध भी हो गए और उन्होंने कहा कि सारे ज्योतिषी को मेरे सामने से हटा दो। ये बोल के वो अपने महल में चले गए। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वो भी महाराज अकबर से मिलने महल में गए और जाके देखा कि अकबर चुपचाप वहाँ पे कोने में बैठे हैं। तब जाके बीरबल ने अकबर से कहा, महाराजा ये ज्योतिषों की बात तो आप छोड़िए, इसका सही मतलब मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ। ये सुन के अकबर खुश हो गए और पूछे, अच्छा इसका क्या मतलब है। तो बीरबल ने कहा, हुजूर आपके सपने का मतलब बहुत ही शुभ है, इसका अर्थ यह है कि आपके नाते रिश्तेदारों के बीच में आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की यह बात सुन के महाराज अकबर बहुत ज्यादा खुश हो गए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषों ने, लेकिन कहने में बहुत ही ज्यादा अंतर थी। फिर क्या था, बीरबल ने अकबर को इनाम दिया और देकर वहां से विदा कर दिया। एक बार की बात है, जब महाराजा अकबर अपने दरबार में बैठ के कुछ कार्य कर रहे थे तभी बाहर से जोर से आवाज सुनाई, महाराज मुझे न्याय चाहिए। ये बोलते हुए एक किसान दौड़ते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचा और पहुंच के बोला, महाराज अगर आप सच में बहुत शक्तिशाली है तो आप मेरा इंसाफ कीजिए। तो फिर महाराजा बोलते हैं, अरे क्या हो गया बताइए, हम आपको जरूर इंसाफ दिलाएंगे। तो इसमें वह किसान बोलता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, आज से कुछ महीने पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिस बात से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी था। मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, इसलिए मैं अकेले अकेले दिन भर रोता था। तभी वहाँ एक काजी मेरे पास आए और आके मुझे कहा कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो, तुम सब चीज को छोड़ के आगे बढ़ो। ये बोल के उन्होंने एक जगह का पता बताया और कहा कि तुम जाओ और वहां से घूम के आओ। और मैंने भी वैसा ही किया, लेकिन जाने से पहले मैं परेशान हो रहा था कि मैंने थोड़ी बहुत जो संपत्ति जमाई है, जो कि कुछ सोने के सिक्के है, वो मैं कहाँ रख के जाऊँ। तो वह काजी ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे पास रख के जाओ। और मैंने वैसा ही करा, एक टोकरे में सोने के सिक्के डाले, उसको अच्छे से सिला और काजी के हाथ में थमा दिया और थमा के मैं वहां घूमने चला गया। और कुछ महीने बाद जब मैं वापस आया तो मैं उस काजी से मिला और उस काजी को जाके मैंने सब बताया कि काजी साहब मैं घूम के तो आया, मुझे बहुत प्रसन्नता मिली और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा हूँ। ये बोल के मैंने उनको कहा कि मैंने जो आपको पोटला दिया था वो मुझे वापस दे दीजिए। तो उन्होंने पोटला तो वापस दे दिया, लेकिन उसके अंदर एक भी सोने के सिक्के नहीं थे और वो पोटला पूरी तरीके से सिला हुआ था। तो मैंने जब काजी से कहा कि इसके अंदर तो सिक्के गायब है तो काजी बहुत गुस्सा हो गया और गुस्सा होके मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे इस पोटले को छुआ भी नहीं है तो इसके अंदर का सिक्का मैं कैसे ले सकता हूँ। ये बोल के मुझे उसने वहां से धक्के मार के निकाल दिया, लेकिन महाराज उसके अंदर सोने के सिक्के तो थे। ये सुन के अकबर ने दरबारियों से कहा, तुम एक काम करो उस काजी को ढूंढ के लेके आओ। और महाराजा के आदेश अनुसार दरबारी जाते हैं और उस काजी को ढूंढ के लाते हैं। वह काजी दरबार में आता है, आके महाराज से कहता है, महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया। तब महाराजा अकबर हर चीजें बताता है कि ये जो किसान है मुझे ये चीजें बता रहा है, क्या सच में तुमने इनके सिक्के को चुराया है। तो इस पे वह काजी बोलता है, महाराज आप इसको देख सकते हो, इसका पोटला पूरी तरीके से सिला हुआ है, मैं कैसे इसके अंदर से सिक्का निकाल सकता हूँ। तब अकबर परेशान हो जाता है कि बोल तो दोनों सही रहे हैं, लेकिन कौन सही कौन गलत मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उन्हें याद आता है कि उनके पास तो बीरबल है, तो वो बीरबल को बुलाते हैं और बीरबल बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज इसका फैसला मैं करता हूँ। बोल के वो पोटले को अच्छे से देखते हैं। देखने के बाद वो दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों आज यहाँ से चले जाओ, अगले हफ्ते आना, मैं इसका फैसला करूंगा। ये बोलने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और तब बीरबल सोचता है कि मुझे असली गुनहगार कैसे मिलेगा। तो वह अपने एक कपड़ा जो कि पूरी तरीके से फटे रहता है वो दरबारी में से एक इंसान को देते हैं और बोलते हैं कि पूरे शहर में घूम के आओ और इसको
इस तरीके से सिलो कि इसमें फटी हुई चीजें दिखाई ना दे। तो दरबारी जाते हैं और एक रफू करने वाले से उसको इस तरह सिला के लाते हैं कि लगता ही नहीं है कि उनका ये कपड़ा कभी फटा ही था। और ये देख के बीरबल उस रफू वाले के पास जाते हैं और जाके पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो वह रफू वाला बोलता है, महाराज यही तो मेरे हाथ की कला है। तो फिर बीरबल पूछते हैं, क्या कोई आया था पोटला लेके जिसने इस तरह का कोई पोटला सिलाया? तो वह बोले, हाँ महाराज एक काजी आया था और उसने ये सिला के दिया। और फिर क्या था? फिर बीरबल समझ जाते हैं कि वो वही काजी है। फिर उस रफू वाले को वो अपने महल लेके आते हैं और वो किसान और काजी दोनों को बुलाते हैं। और जब काजी रफू वाले को देखता है तो पूरी तरीके से डर जाता है, उसके हाथ पैर सूखने लगते हैं, अचानक उसके माथे में पसीना आ जाता है, जो देख के बीरबल समझ जाता है। और बीरबल के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, दरबारियों इस काजी को जेल में लेके जाओ। और वो काजी कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। तभी महाराज अकबर बोलते हैं, अरे आखिर बात क्या है? तो बीरबल अकबर को पूरा किस्सा समझाता है कि इस काजी ने इस किसान के सिक्के निकाल के इसको इस तरीके से सिला है कि किसी को पता ही ना चले और इसलिए इसको सजा मिलनी ही चाहिए। और फिर क्या था, किसान खुश हो जाता है, महाराज की जय जयकार करता है और अपने रास्ते निकल जाता है। एक शाम की बात है जब बीरबल महाराज अकबर के दरबार से निकल के अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में देखा एक मोटा सा आदमी उदास वहाँ पे खड़ा है। तो बीरबल जाके उस मोटे से आदमी से पूछा, अरे क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हो? तो वो मोटा आदमी बोला, बीरबल मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो बीरबल ने कहा, अरे कैसी परेशानी, मुझे बताइए। तो वो मोटा आदमी बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं पंडित बनूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान लूँ। मैं चाहता हूँ बिना ही ज्ञान लिए लोग मुझे पंडित कह के पुकारे। यह सुनकर बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही गलत रास्ता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है फिर भी आप चाहते हो कि लोग आपको पंडित जी बोले तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो वह मोटा आदमी बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे पंडित बोले, लेकिन इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं ज्ञान लूँ और उस ज्ञान से लोग मुझे पंडित बोले। तो बीरबल सोचते हैं क्यों ना इसको मजा चखाया जाए। तो बीरबल उसको बोलते हैं, तुम एक काम करो, अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हें पंडित बोले तो कल सुबह सुबह तुम बाजार में खड़े हो जाना, मेरे कुछ आदमी आएंगे जो तुम्हें पंडित कह के पुकारेंगे, लेकिन तुमको उनको जवाब नहीं देना है बल्कि पत्थर उठाना है और उनके तरफ फेंक के मारना है और उसके बाद डंडा लेके उनके पीछे दौड़ना है, लेकिन ये ध्यान में रखना किसी को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वह मोटे आदमी को ये तो समझ नहीं आता कि आखिर बीरबल क्या बोलना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो अगले दिन सुबह सुबह वह मोटा आदमी बाजार के बीचों बीच जाके खड़े हो जाता है। तभी वहां से बीरबल के कुछ आदमी आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, ओ पंडित जी। वो सुन के वह मोटा आदमी पत्थर उठाता है और उनकी तरफ फेंक के मारता है, फिर भी वह चिल्लाते रहते हैं, ओ पंडित जी, ये बोल के वो दौड़ते हैं, जिसके पीछे पीछे वो पंडित डंडा लेके दौड़ते रहता है। उसके बाद वहां से कुछ लोफर लड़के गुजरते हैं और वो भी चिल्लाते हैं, ओ पंडित जी, और वह मोटा आदमी उनको भी पत्थर मारते रहता है। धीरे धीरे माहौल ऐसा हो जाता है कि बाजार का हर व्यक्ति उसको देख के ओ पंडित जी कह के चिल्लाता है और वह मोटा व्यक्ति पत्थर उठाता है और उनके तरफ फेंक के मारता है, और ये लगातार कुछ दिन चलते ही रहता है। शुरू शुरू में उस मोटे व्यक्ति को तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है जब उसको ये एहसास होता है कि लोग उसे पंडित तो कह रहे हैं लेकिन कोई उसे इज्जत नहीं देता, और एक समय के बाद वो पंडित शब्द से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको ये लगने लगता है कि लोग उसे पागल समझ रहे हैं, और जब भी वो घर से निकलता है तो हर व्यक्ति पंडित बोल के उसको छेड़ता है। इस समस्या से परेशान होकर वो दोबारा बीरबल के पास जाता है और जाके बोलता है, बीरबल ये तुमने मेरे साथ क्या किया, लोग मुझे पंडित तो बोल रहे हैं लेकिन सम्मान नहीं दे रहे हैं। तब बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, क्यों आप ही तो चाहते थे ना बिना ज्ञान का आपको लोग पंडित कहे, तो यही तो हो रहा है आपके साथ, बिना ज्ञान का लोग ऐसे ही आपको पंडित बोलेंगे और जिंदगी भर आप इस शब्द से खुश होते रहना। तो वह मोटा आदमी बोलता है, मैं खुश बिल्कुल नहीं हूँ बल्कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पंडित ना बोले। तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और उनको समझाते हैं कि बिना ज्ञान का नाम आप कुछ ही समय के लिए प्राप्त कर सकते हैं। फिर वह मोटा आदमी बीरबल से माफ़ी मांगता है और पूछता है कि आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं बच सकूं। तो इस पे बीरबल बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर में चले जाइए और जब आप दोबारा इस शहर में आओगे और जब लोग आपको पंडित बोलेंगे तो आप उसको नज़रअंदाज कर देना।
यह सुन के मोटा आदमी दूसरे शहर चले जाता है और जब वो वापस आता है लोग उसे पंडित बोल के चिढ़ाते हैं, बट वो बीरबल के कहे अनुसार उसका जवाब नहीं देते और एक समय बाद उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार वो रास्ते में खड़े होके दुखी नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है कि उसे कोई पंडित कह के नहीं बुलाता। जैसा कि आप सभी जानते हो, अकबर और बीरबल एक अच्छे मित्र थे। लेकिन मित्रता के अलावा भी अकबर हमेशा हर कार्य बीरबल को सौंप देता था, क्योंकि उनको भरोसा था कि बीरबल हर काम को बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन इस कारण महाराज अकबर के दरबार में सभी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तो एक बार की बात है, जब एक मंत्री उदास अपने जगह में बैठे हुए थे, तब अकबर ने उनसे पूछा, अरे मंत्री जी क्या बात है, मैं सुबह से आया हूँ और देख रहा हूँ कि आप सुबह से उदास हो। तो इस पर मंत्री बोलते हैं, महाराज ये उदास होने के पीछे का कारण आप खुद है। तो ये सुन के अकबर बोलता है, अरे मैं खुद हूँ क्यों, मैंने क्या किया। तो इस पर वो मंत्री बोला, महाराज आप हर कार्य बीरबल को सौंप देते हो और वो कार्य को वो पूरा करके आता है, जिसके कारण आप हमेशा उसकी प्रशंसा करते हो, जबकि ये सारे कार्य हर मंत्री कर सकता है, लेकिन आप मौका ही नहीं देते हो, तो हम अपने आप को साबित कैसे करें, बस इसी कारण से हम बहुत ज्यादा दुखी है। तो इस पर अकबर सोचता है और बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, तुम बाजार में जाओ और इस 3 रुपए को 3 चीज में बराबर खर्च करके आना, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए, लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। ये सुन के वह मंत्री सोच में पड़ जाता है कि भैया ऐसा कौन सा सामान है जो इस शर्त के साथ सही बैठता है। ये सोच के वो बाजार की तरफ चले जाता है और चीजें एक के बाद एक पलटने लगता है, अलग अलग दुकान में जाने लगता है और अलग अलग लोगों से मिलके उस पर बात करने लगता है। लेकिन एक समय के बाद वो मंत्री पूरी तरीके से थक जाता है और चिड़चिड़ करते हुए दोबारा बीरबल के पास आ जाता है और बीरबल को बोलता है, महाराज आपने मुझे बेवकूफ बनाया, ऐसा कोई सामान नहीं है जो 1 रुपए में आपकी शर्त को पूरा करता है। तो इस पे अकबर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं एक बार बीरबल को ये काम सौंप के देखता हूँ। तो वो बीरबल को बुलाते हैं और महाराजा बीरबल दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। फिर अकबर उनको 3 रुपए देते हैं और अपने शर्त के मुताबिक उनको दोबारा बोलते हैं, बीरबल इस 3 रुपए से ऐसी 3 चीज लाओ जिसकी कीमत 1 रुपए हो, पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना तो यहाँ की होनी चाहिए और ना ही वहाँ की होनी चाहिए। तो बीरबल वहाँ से निकलते हैं और कुछ समय बाद दोबारा दरबार में आते हैं और आके अकबर को बोलते हैं, महाराजा मैंने आपके शर्त के मुताबिक 3 चीजें खरीद लिया है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या क्या चीजें खरीदा है। तो फिर बीरबल बोलते हैं, पहला 1 रुपए मैंने मिठाई पर खर्च किया जो यहाँ इस दुनिया की है, दूसरा 1 रुपए मैंने गरीब फकीर को दिया जिससे मुझे पुण्य यहाँ तो नहीं मिलेगा लेकिन वहाँ यानी जन्नत में मिलेगा, और तीसरा 1 रुपए मैंने जुआ में लगा दिया, इस तरह जुआ में हारा 1 रुपए वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई और ना जन्नत में मेरे नसीब में आएगा। यह सुन के अकबर उस मंत्री की तरफ देखता है और बोलता है, यही कारण है कि मैं हर कार्य बीरबल को सौंपता हूँ। एक बार की बात है, जब महाराजा अकबर और बीरबल बाग में टहलते रहते हैं और बीरबल गाना गाते रहता है और महाराजा अकबर उसका आनंद लेते रहते हैं, तभी महाराजा अकबर को जमीन में एक छोटा सा बांस का टुकड़ा दिखता है। तो उसको हाथ से उठाते हैं और उठा के उसको देखते रहते हैं। तभी बीरबल बाजू से मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे महाराज मैं यहाँ पे गाना गा रहा हूँ, आप बांस का टुकड़ा देख रहे हो। तो फिर अकबर बोलते हैं, बीरबल मैं ये सोच रहा हूँ क्या तुम इसको बिना काटे इसको और छोटा कर सकते हो। तो इस पे बीरबल मुस्कुराता है और बोलता है, अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिना काटे कभी कोई चीज छोटी हो सकती है क्या। तो फिर अकबर को मौका मिल जाता है और अकबर बोलते हैं, चलो आज तुम्हारी परीक्षा यही है, इस बांस को बिना काटे छोटा करके दिखा दो, अगर छोटा करके दिखा दिया तो मैं मानूंगा कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। तो फिर बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, रुकिए महाराज 2 मिनट मुझे सोचने तो दीजिए कैसे मैं इस बांस को बिना काटे छोटा कर सकूं। ये बोल के दोनों मुस्कुराते रहते हैं। तभी बीरबल को बाजू में एक आदमी टहलता हुआ दिखता है जिसके हाथ में एक लंबी सी बांस होती है। तो बीरबल दौड़ के उनके पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, अरे मित्र ये बांस को थोड़ा सा दिखा दो। तो वह आदमी बांस को बीरबल के हाथ में देता है और फिर उसको लेके वो महाराज के पास पहुंचता है और जाके बोलता है, महाराज अब देखिए ये बांस बड़ी हो गई और जो बांस आपने दिया वो मेरे हाथ में है जो कि छोटी हो चुकी है, यानी बिना काटे मैंने इस बांस को इस बांस से छोटी करके दिखा दिया, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ। ये बोल के तीनों लोग वहाँ पे हंस पड़ते हैं
और इसी तरह बीरबल एक बार और जीत जाता है। एक दिन की बात है जब महाराजा अकबर सुबह सुबह अपनी दाढ़ी खुजाते हुए नींद से उठे और उठते ही जोर से चिल्लाए, कोई है मेरे आजू बाजू? तभी वहां से उनका एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और आके बोला, महाराज क्या हो गया? तो इस पे बादशाह चिल्लाए, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वो चिल्ला के बोले, जल्दी जाओ और उसको बुला के लाओ। बोल के दुवार वो बिस्तर में सो गए। अब वो सैनिक परेशानी में आ गया कि आखिर किसको बुलाना है, अब अगर महाराज को पूछा तो महाराज तो और गुस्सा करेंगे। तो वो दौड़ के दूसरे सैनिक के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, अरे महाराज ने मुझे ये कहा, तो आखिर बुलाना किसको है? तो वो दोनों सैनिक को ये समझ नहीं आता। फिर वो दो सैनिक तीसरे इंसान के पास जाते हैं और बताते हैं कि महाराजा ने ये बोला, तो आखिर बुला के हम किसको लाए? तो ऐसे ही एक के बाद एक सैनिक के पास वो चले जाते हैं और किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर बुलाना किसको है। तभी उस सुबह बीरबल वहां से टहलते रहते हैं, तभी वो देखते हैं कि दूर में सारे सैनिक आपस में कुछ बात कर रहे हैं और हड़बड़ी करके यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तभी बीरबल एक सैनिक को वहाँ बुलाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई आखिर बात क्या है, सुबह सुबह तुम सारे लोग इतने परेशान हो, कहीं महाराज ने आप लोगों को एक नई समस्या में तो नहीं डाल दी? ये बोल के बीरबल मुस्कुराते हैं। तभी सैनिक घबराहट से बोलते हैं, महाराज आज सुबह सुबह महाराज अकबर ने हमें ये हुक्म दिया, लेकिन बुलाना किसको है वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अच्छा मेरे को ये बताओ, जब महाराजा उठे तो वो क्या कर रहे थे? तो फिर सैनिक बोलता है कि जब महाराजा उठे तो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। तो ये सुन के बीरबल बहुत जोर से हंसता है और बोलता है, अरे गधो, इसका मतलब ये हुआ कि अपने बढ़ते दाढ़ी से परेशान हो गए हैं और उनको अपनी दाढ़ी कटवानी है, तो जाओ जाके नाई को बुला के लाओ। ये सुन के सैनिक दौड़ के जाता है और एक नाई को लेके आता है, और जब वो महल में आता है और उसको देख के महाराजा अकबर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो बड़े चतुर हो, मैंने तो बताया नहीं था किसको बुलाना है, तुमको कैसे पता चल गया? तब वो सैनिक कांपते हुए बोलता है, महाराज रास्ते में मुझे बीरबल मिले थे जिसने मुझे बताया कि महाराज को एक नाई की जरूरत है। ये सुन के अकबर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल सही। दोस्तों आपको अगर WhatsApp के जरिए ऐसी कहानी सुननी है तो नीचे हमारा WhatsApp का लिंक है जिसे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा हर दो दिन में आपको एक नई नई ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने को मिले। तो नीचे WhatsApp की लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। एक बार महाराजा अकबर और बीरबल जंगल की सफर में निकलते हैं, तभी वहाँ पे दूर पे एक बड़ा सा पेड़ रहता है, लेकिन वो जो पेड़ है ना वो सीधा नहीं, वो एकदम टेढ़ा रहता है, लेकिन वो जंगल का सबसे बड़ा पेड़ रहता है। उसको देख के महाराजा अकबर बीरबल से बोलता है, अरे बीरबल ये जो पेड़ है वो तो सीधा होना चाहिए, ये इतना टेढ़ा क्यों है? तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, महाराज अकबर ये जो पेड़ है ना, ये पूरे जंगल में जितने पेड़ है उसका साला है और इसीलिए ये टेढ़ा है। ये बोल के वो मुस्कुराते हैं और फिर अकबर बोलता है, तुम कैसे कह सकती हो कि ये पेड़ सारे पेड़ों का साला है? तो इस पे बीरबल बोलते हैं, क्योंकि महाराज साले हमेशा टेढ़े ही होते हैं। तो ये सुन के अकबर बोलता है, अच्छा तुमको क्या लगता है मेरा जो साला है वो भी टेढ़ा है? तो इस पे बीरबल बोलते हैं, 100% आपका जो साला है वो भी टेढ़ा ही इंसान है। तो ये सुन के अकबर के मन में कुछ ख्यालात आती है और वो बोलते हैं कि बीरबल तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, जरूर मेरा साला भी टेढ़ा ही होगा, क्या करे उसको फांसी में चढ़ा दे? तो ये सुन के बीरबल बोलता है, अरे महाराज आप सोच क्यों रहे हो, सीधा चढ़ा ही दो ना। तो अकबर बोलता है, ठीक है कल के कल ही मेरे साले को मैं फांसी में चढ़ा दूंगा, तुम फांसी की तैयारी करो। ये बोल के अकबर आगे निकल जाता है। वो रात तो बीत जाती है, लेकिन अगले सुबह सुबह जब महाराजा अकबर अपने महल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर पे 3 फांसी के तख्ते लगे हुए हैं। एक फांसी का तख्ता जो कि सोने का होता है, दूसरा फांसी का तख्ता जो कि चांदी का होता है, और तीसरा जो कि लोहे का होता है। ये देख के अकबर बीरबल से कहते हैं, अरे बीरबल मेरा तो एक ही साला है, तुमने यहाँ पे सोना चांदी और लोहे के तख्ते क्यों लगाए? तो इस पे बीरबल बोलता है, महाराजा वो जो सोने का आप देख रहे हो उसमें आपको फांसी लगाया जाएगा, फिर जो चांदी का दिख रहा है ना इसमें मेरे को फांसी लगाया जाएगा, और जो लोहे का है उसमें आपके साले को फांसी लगाया जाएगा। तो ये सुन के बीरबल गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्यों बीरबल मेरे को क्यों फांसी में लगाया जाएगा, और मेरी बात तो छोड़ ही दो, तुमको क्यों फांसी में चढ़ाया जाएगा? तो इस पे बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, क्योंकि महाराज हम भी तो किसी के साले हैं। ये बोल के वो जोर से मुस्कुरा देते हैं और उसके जवाब से महाराज अकबर भी खिलखिला के हंस पड़ते हैं और उनको समझ आ जाता है कि कल से लेके आज तक की बातें सब मजा की थी। दोस्तों आपको अगर WhatsApp के जरिए ऐसी कहानी सुननी है तो नीचे हमारा WhatsApp का लिंक है जिसे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा हर दो दिन में आपको एक नई नई ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने को मिले। तो नीचे WhatsApp की लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए।